नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस में। आज कक्षा 10 के गणित समांतर श्रेणी का अगला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट नंबर आपका 7 होगा। भाग नंबर कौन सा है? भाग 7 होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का 11 से लेकर 15 तक का सवाल पढ़ेंगे। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं। करा एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आइए देख लेते हैं। माना आपका श्रेणी दिया है, श्रेणी क्या दिया है? 3 15 27 39 ये श्रेणी दिया है। श्रेणी का एप क्या होगा? प्रथम पद 3 होगा। इसका जब सर्वांतर निकालेंगे तो 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या कह रहा है? कौन सा पद माना एनवा पद, कौन सा माना एनवा पद, या ऐसे लिख लो, एनवा पद ना लिखो, प्रश्नानुसार लगा दीजिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? एनवा पद, कौन सा पद? मान लो एनवा पद है 54वें पद से, कौन से पद से? 54वें पद से कितना है? 132 अधिक, यानी जो एनवा पद होगा वो जो 54 वाला पद होगा उस पद से 132 अधिक होगा। मतलब 132 154 वाले पद में अगर जोड़ दिया जाए, 54 वाले पद में 132 जोड़ देंगे तो वो पद हमें मिलेगा। वो पद हमने क्या माना? एनवा। तो अब यहाँ एनवा का सूत्र लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी प्लस 132। ए का मान कितना दिया है? 3 दिया है। एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे डी का मान कितना दिया है? 12 दिया है, तो 12 रखेंगे। ए का मान कितना दिया है? 3 प्लस 54 में से घटाएंगे, 53 गुणे 12 प्लस 132 आ जाएगा। अब ये क्या होगा? 3 से 3 क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों से कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा क्या? n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 12 36 3 आएगा, 12 5 60 3 63 प्लस 132। इसे जोड़िए तो n माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा? 6 2 8 3 3 6 और ये 7। 12 किस में जाएगा? भाग में जाएगा। ठीक है, तो भाग दीजिएगा, 12 1 12 6 72, 4 बचेगा 48 होगा, 12 4 48, तो यहाँ मिलेगा n माइनस 1 बराबर 64, तो n बराबर मिलेगा 64 प्लस 1 इक्वल 65, यानी आपका कौन सा होगा? 65वां पद आपका 54वें पद से 132 क्या होगा? अधिक होगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, दो समांतर श्रेणी यों का सर्वांतर क्या है? समान है, सर्वांतर समान है। तो मान लेते हैं, माना 2 एपी के एपी के सर्वांतर डी है, एवं पहले एपी का प्रथम पद A1 व दूसरे AP का प्रथम पद A2 है। हमने प्रथम पद मान लिया A1 व A2। आइए प्रश्न क्या कह रहा है?
यदि इनके सौवें पद का अंतर सौ। सौवें पद का मतलब क्या है? पहले एपी का सौवां पद माइनस दूसरे एपी का सौवां पद बराबर क्या हो जाएगा? सौ। दोनों का अंतर कितना दिया? सौ दिया है। चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यही फार्मूला अप्लाई यहां करेंगे। तो यहां पे पहला होगा तो क्या a1 लिखेंगे प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि समांतर क्या है? समान है तो d ही रहेगा। इसके लिए a2 प्लस 100 माइनस वन इंटू डी2 बराबर कितना मिलेगा? 100 के। अब यहाँ a1 तो रहेगा प्लस इसको घटाएंगे 99 d आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस a2 माइनस घटाएंगे 99 d बराबर कितना? 100। प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा तो a1 माइनस a2 बराबर 100 मिलेगा। इसे समीकरण आप एक मान सकते हैं। इसके बाद कह रहा है एक तो इनकी हजारवें पद का अंतर क्या होगा? तो जब हजारवें पद का निकालेंगे तो t1000 माइनस t1000 डैश का निकालेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू टी, माइनस करना है दूसरे वाले का क्या? a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। हमने फार्मूला लगाया, इसका tn में तोड़ दिया और इसको भी हमने tn में यहाँ पे क्या कर दिया? तोड़ दिया है tn का फार्मूला लगा के। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये a1 आएगा, ये प्लस 999 डी माइनस a2, यहाँ पे आएगा 999 डी। प्लस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा a1 माइनस a2। समीकरण एक में क्या है? 100 दिया है तो इसे रख देंगे 100, ठीक है। कहाँ से? समीकरण एक से। यही हमारा क्या जाएगा? आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए इसी क्रम में सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। कह रहा सवाल में 3 अंकों की संख्या कितनी है जो कि 7 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो आइए इसको लगा लेते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो 3 अंकों की जो पहली संख्या होती है वो क्या होती है? 100 होती है। इसके बाद क्या होगा? 999। अब कह रहा 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से लिखेंगे, 7 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली, जब 7 से विभाजित होने वाली निकालेंगे तो पहले इसमें 7 का भाग देंगे 100 में, तो 100 में 7 का भाग दीजिएगा, 7 कम 7 3 आ जाएगा, 0 उतारेंगे कितना जाएगा? 7 चौक 28, कितना आया? 2 शेष फल आ गया, ठीक है लोग। इसके बाद क्या करेंगे? 2 शेष फल आया तो अब यहीं पे आप आंकड़ा लगाइएगा, ये संख्या किससे हमारी कटेगी? तो यहीं पे देख रहे हैं ये 2 आया है। अब बताइएगा अगर ये कितना कम है इससे? 5 कम है। अगर इसमें 5 और जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो यहाँ कितना आएगी? पहली संख्या 105, 105 में जब 7 जोड़ेंगे तभी अगली संख्या मिलेगी, तो 7 5 12 112 हो जाएगा। इसी प्रकार ये संख्याएं हमारी मिलती रहेंगी और ऐसे निकालना हमारे लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो हम अंत से निकाल लेते हैं। एक पद
तो अंक से निकालेंगे तो 7 का भाग 999 में दीजिएगा, 7 एक कम 7 आएगा 2, ये कितना बचा 9, 29 हो जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 1 आएगा 19, 7 दुनाए 14, 7 दुन कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, तो 14 आएगा तो घटाएंगे 5 4 9 ये आएगा, यानी इसमें क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो वो जो संख्या मिलेगी उस 7 से हमारी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, तो 4 घटाएंगे तो ये मिलेगा 994, 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 994। अब यही ये हमारी क्या बन गई श्रेणी बन गई, ये हमारी क्या बन गई श्रेणी बन गई, तो इसका प्रथम पद कितना है a बराबर 105 दिया है, d आपका कितना है 7 है जिससे विभाजित होना है, अंतिम पद l बराबर कितना दिया है 994, फार्मूला लगाएंगे l प्लस n माइनस 1 इंटू d से, ये आपका फार्मूला लगेगा अंतिम पद का क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, तो लिखेंगे 994 बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना दिया है 7 दिया है, ये इधर आएगा घटेगा, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे घटा लीजिएगा, तो 994 में से 105 ऐसे घटाइएगा तो कितना आएगा ये 14 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 8 आ जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 बराबर मिलेगा 889 में से 7 का क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 एक कम 7 एक बचा 18 हो जाएगा, 7 दुनाई 14 4 49 7 47 तो क्या मिला n माइनस 1 बराबर 127 तो n बराबर आएगा 128, तो कुल कितने पद है 3 अंकों वाली जो संख्या है 128 होंगी जो हमारी 7 से कट जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल दे रहा है 10 और 250 के बीच कितनी कि 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के गुणज निकालना है तो आइए देख लेते हैं, ये भी इसी प्रकार दिया है, लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, तो 4 के गुणज 4 का पहाड़ा पड़े 4 का 4 4 2 8 4 3 12, तो 10 के बाद हमें एक 12 संख्या ऐसी मिलेगी जो 4 से कटेगी, 4 का गुणज होगा 4 चौक 16 इसी प्रकार जाएगा, और 250 है तो इसमें 4 का क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 4 से क्या करेंगे भाग, तो 4 5 20 और 4 6 24 1 0 आएगा, और 4 दुनाए 8 मतलब 2 शेष आया, तो 200 इसमें घटाएंगे तो 248 आएगा, अंतिम पद कितना आएगा 248। अब ये आपका सेम सवाल इसके पीछे वाला बन चुका है, बिल्कुल लगा सकते हैं, a बराबर यहाँ कितना दिया है 12, d बराबर 16 में से 12 घटाइए कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और l बराबर कितना होगा 248, फार्मूला आपने पढ़ा है अंतिम पद का a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से, तो l का मान कितना दिया है 248 दिया है, a का मान कितना दिया है 12 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 4 है, ये इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 236, सॉरी ऐसे कर लीजिएगा 248 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4, इसको घटाएंगे तो 236 आ जाएगा n माइनस 1, और ये कितना आएगा भाग में 4 का भाग दीजिएगा 4 5 20
और चार नहीं है 36 एन माइनस वन, तो एन बराबर 59 प्लस वन, तो एन इक्वल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में है तो इधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे, जो 10 और 250 के बीच में चार के गुणज होंगे जो चार से विभाजित होंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल दिया है इसी क्रम में, यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवे पद आपस में क्या है बराबर, तो n के किस मान के लिए, तो बिल्कुल आसान सवाल ये भी है, आइए देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल। तो इसमें क्या कह रहा है n के किस मान के लिए, एक श्रेणी ये दिया है, तो पहली श्रेणी कितना दिया है 63 दिया है, कितना दिया है 63 65 67 ये पहली श्रेणी दी है, तो इसका प्रथम पद यानी a1 बराबर कितना 63, d1 बराबर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी श्रेणी आपकी क्या दी है 3 10 17 ये दिया है, तो a बराबर a2 इसका कितना है, a2 मानेंगे प्रथम पद को 3 आएगा, इसके लिए d2 क्योंकि दो श्रेणी है तो पहले का प्रथम पद को a1 दूसरे श्रेणी के प्रथम पद को a2 मान सकते हैं, इसी प्रकार d2 मानेंगे तो 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7 आएगा। कह रहा किस मान के लिए nवे पद बराबर है, तो मान लीजिएगा tn बराबर tn डैश, मान लो इसकी पहली श्रेणी का tn दूसरी श्रेणी का tn डैश दोनों के nवे पद आपस में क्या है बराबर है, तो इसका फार्मूला लगाओगे तो कितना आएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बराबर a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, यानी n का मान दोनों के लिए क्या है बराबर होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा a बराबर कितना मिल रहा है यहीं पे a2 63 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 का मान कितना दिया है 2 दिया है बराबर, a2 का मान कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पे n प्लस का n माइनस 1 इंटू d2 आपका कितना दिया है 7 दिया है, यहाँ पे d2 2 दिया है। अब देखिए ये इधर आकर घटेगा 63 माइनस 60 इक्वल यहाँ पे क्या है 7 n माइनस 7, ये इधर आएगा तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 2 के साथ ये आएगा 7, इधर 7 n माइनस 7 माइनस गुणा करो 2n प्लस 2, तो ये 60 बराबर ये घटेगा तो कितना आएगा 5n और ये घटेगा तो ये माइनस का 5 आएगा, इधर ये जुड़ेगा 65 बराबर 5